नमस्कार, स्वागत है आपका SDR एजुकेशन में। दूसरी बार रिसर्च डिज़ाइन और उसके चार टाइप्स और उसके क्या पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अन अकेडमी पर अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप रात 10 बजे की जो फ्री क्लासेस होती है उसको ज़रूर ज्वाइन करा करिए। आज ICT के PYQ उसकी क्लास है रात को 10 बजे, उसको अच्छे से करिएगा ताकि आप लोग अपने पेपर वन की प्रैक्टिस जो है उसको अप टू द मार्क रख सकें। आप अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। प्लस कोर्सेज में एनरोल होने के लिए आप इस नवीन साख लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यही कोड आपको अगर फ्री कंटेंट अनलॉक करना है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है रिसर्च डिज़ाइन, कितने तरह के होते हैं, तो चार तरह के हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उसके क्या पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, एक होता है एक्सपेरिमेंटल किस्म का रिसर्च डिज़ाइन, और रिसर्च डिज़ाइन जब मैं बोलता हूँ तो ये समझ लीजिए कि रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि वो ब्लूप्रिंट जिसमें हम सब कुछ बताते हैं रिगार्डिंग दी रिसर्च, कि हम किस तरीके से रिसर्च करने वाले हैं, कौन से मेथड्स को चुनने वाले हैं, हमारे सैम्पलिंग के तरीके क्या होंगे, कितने समय में करने वाले हैं, कितने रिसोर्सेज हम यूज़ करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का जो हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है वो कॉजल रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके या मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट मेजर करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सब्जेक्ट्स यहाँ रैंडमली असाइन किए जाते हैं और साथ ही साथ आप कंडक्ट करते हो इसे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे कि लैब में, फील्ड में नहीं हो सकती है। फिर आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो ये ज़्यादातर होता तो देखो कॉजल रिलेशनशिप को ही ये भी टेस्ट करता है, और ये एक्सपेरिमेंटल जैसा ही है, बस इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। तो क्वासी का मतलब होता है सूडो, सूडो का मतलब होता है हाफ, तो ये हाफ एक्सपेरिमेंटल है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ आप रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आउटकम्स के ऊपर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती है, जो ऑफन कंडक्ट होते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो देखिए, जहाँ चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में होगी वहाँ पर आप जाके भी रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न आपको मैं देता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको हमेशा देता हूँ इसको पढ़ाते हुए। जैसे मान लीजिए कि हमको ये रिसर्च करना है कि अल्कोहल का क्या असर हो रहा है युवा बच्चों पे, तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप रैंडम असाइनमेंट करके किसी भी बच्चे को पकड़ के अल्कोहल जो है वो पिला देंगे और अलग अलग लिमिट्स में पिला देंगे। रादर आप पहले ऐसे सैंपल खोजोगे जो बच्चे अल्कोहल पी रहे हैं अपनी जो है वो अर्ली एज में, अब वो कितना पी रहे हैं ये क्वांटिटी भी आप देखोगे, और उसके मुताबिक फिर एक्सपेरिमेंट में उनको शामिल करोगे ये देखते हुए कि उनको कोई रिस्क ना हो। तो रैंडम असाइनमेंट तो नहीं हो सकता कि किसी को भी पिक किया और एक अल्कोहल की लिमिट दे दी ये देखने के लिए। तो ये ऑफन कंडक्ट होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में ही, और इसीलिए रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते। यही फ़र्क है एक्सपेरिमेंटल और हाफ एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल में। कोरिलेशनल, जो कि ज़्यादातर हम ये देखना चाहते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं वो कितना स्ट्रांगली जो है वो वेरिएबल्स रिलेट कर रहे हैं या रिलेटेड हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन को यूज करते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वेरिएबल्स आर मेजर्ड विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देम। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कोरिलेशनल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है, क्योंकि वो मदद करता है हमारी ये जानने के लिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप है या नहीं। देखिए, कॉज और इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉजल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जानना कि रिलेशनशिप है या नहीं, कि क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो दोनों चीज़ें ऊपर जाएंगी, दोनों नीचे जाएंगी, क्या नेगेटिव रिलेशनशिप है एक ऊपर एक नीचे जाएंगी, या फिर नो कोरिलेशन है। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल होता है डिस्क्राइब करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज और ट्रेंड्स को, और वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है बिना उन्हें इन्फ्लुएंस किए। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक शुरुआती जानकारी देना, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना, एवरेज या ट्रेंड्स जैसे मार्केट ट्रेंड्स डिफाइन करना। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, आई होप कि आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित हो। सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जो कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो आते ही मिल जाए, और पेपर तक आपको बहुत सारे टॉपिक्स में इस तरीके से बना के देने वाला हूँ। सो शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।